आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है और सारे बच्चे जो है परेशान है डॉक्यूमेंट को लेकर कि डॉक्यूमेंट में आखिर क्या लगेगा। तो अभी हम जो है इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके एडमिशन की प्रक्रिया में उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आप सभी लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपको जो है केवल फॉर्म भरने हैं, आपको उसमें किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसमें 12 और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो है रिजल्ट भी आ चुका है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और काउंसलिंग आपका जो है 30 अक्टूबर से लेकर आपके जो है 5 नवंबर तक हो रहे हैं। और इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप सभी लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन में, ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये आपका एडमिशन होगा, जब आपका नाम आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं और इसके पहले भी हमने बताया है, लेकिन फिर भी आज मैं आप सभी लोगों को पार्टिकुलर बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 12 के अनुसार आपका जो है डीएलएड में आप एडमिशन ले सकते हैं, दोनों को अलग कर दिया है मैं ताकि आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं हो और आप जो है ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो है आप डीएलएड कर सकते हैं। तो ये दो चैप्टर में आ गया आपका कि अब जो बच्चे 12 वाले पास आउट है वह डीएलएड करने वाले हैं तो उनका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट है उनका जो है डीएलएड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इन एडमिशन के दौरान, समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कि जो बच्चे 12 पास आउट है, जो बच्चे जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे जो है आपके 12वीं पास है और वो बच्चे जो है डीएलएड करना चाह रहे हैं और जो करने वाले हैं, यानी आने वाले आपका जो 11 नवंबर है आपका फर्स्ट लिस्ट जारी होगा, तो उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12 बेसिस पर जो है आपका एडमिशन होगा। तो 12 वाले बच्चों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि उनका एडमिशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या नहीं हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला आपका जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा वो आपका काउंसलिंग पीडीएफ की पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग पीडीएफ जो आपने अभी काउंसलिंग किया है उसका आपका पीडीएफ होना चाहिए, उसका आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है जो रिजल्ट आया था, जो आपका जो है रिजल्ट आया था डीएलएड का, उसका भी आपका पीडीएफ होना चाहिए, यानी काउंसलिंग का पीडीएफ और रिजल्ट का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। अगला यहाँ पर दूसरा आपका आएगा मेरिट पीडीएफ, यानी कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि आपका जो 11 नवंबर को लिस्ट जारी होगा उसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट, तो जिस लिस्ट में आपका नाम आएगा उसका आपका एक पीडीएफ लगेगा क्योंकि वो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, उसका प्रिंट आउट लगेगा। तो ये तीन चीज आपका जो है डीएलएड एंट्रेंस से जुड़ा हुआ लगेगा, आपका काउंसलिंग पीडीएफ और रिजल्ट पीडीएफ और आपका मेरिट पीडीएफ, समझ गए। उसके बाद आपका जो है आप 12 पर करवा रहे हैं एडमिशन, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को बताएंगे इसके बाद, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए जो 12 पास आउट है उनको 10th का मार्कशीट देना पड़ेगा, 10वीं क्लास का अंक प्रमाण पत्र, दूसरा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, यानी 10वीं क्लास का जो है पासिंग सर्टिफिकेट उनको लगेगा, फिर उनको जो है 12 का मूल प्रमाण पत्र, यानी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट यानी कि अंक प्रमाण पत्र, 12 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वही आपका एक आपका मार्कशीट यानी कि आपका अंक पत्र और दूसरा आपका मूल प्रमाण पत्र यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट, ये लगेगा 10th का और 12 का, 10th का भी मार्कशीट 12 का भी मार्कशीट और 10th 12 दोनों का जो है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका जो है सीएलसी की बात कर ले, सीएलसी और जिनके पास जो है पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा ना वो जो है कॉलेज से संपर्क करेंगे, समझ गए, जहां से वो पढ़े हैं कब तक आएगा, क्योंकि 2023 वाले बच्चे ने भी डीएलएड दिया है। उसके बाद आपका जो है 12 का सीएलसी रहेगा, सीएलसी जो है 12 क्लास का रहेगा, फिर आपका जो है जाति निवास रहेगा, फिर आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके जो है सीएलसी के ऊपर लिखा रहता है, जो आपका सीएलसी होता है उसके ऊपर लिखा होता है, नहीं तो कॉलेज वाले आपको एक अलग से बनाकर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा होगा तो मुखिया से नहीं तो सरपंच से लिखवा कर दे दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शपथ पत्र लगेगा, ये आपका जो है नोटरी लगता है, ये आपका जो है नोटरी लगता है। जब आप एडमिशन करवाने जाइएगा तो वहां पर आपको कॉलेज एक फॉर्मेट देगा, उस पर जो है उसको कोर्ट ले जाइए, कोर्ट में लिखवा लीजिए, टाइप करवा लीजिए, उस पर मोहर वोहर लगता है जज का, और जो भी वहां पर वकील होते हैं वो आपको 200-250 रुपए में बनाकर आपको दे देंगे, उसको जमा कर दीजिए। और ये जो होता है आप कभी भी जमा कर सकते हैं, कहने का मतलब है
कि आपको जो जब तक एडमिशन चलेगा एक महीना के अंदर में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको उसी दिन जमा करना है। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको समय मिलता है, कॉलेज बोलेगा कि ठीक है बाबू तुम जमा कर देना, लेकिन जमा करना तो ये आप बनाकर जमा कर सकते हैं। ये जो आपका होता है मेडिकल सर्टिफिकेट यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो ये जो है आपको अपने कॉलेज के या अपने गांव के जो है नजदीकी जो आपका चिकित्सालय होगा सरकारी, वहां पर जाइए, बोलिए कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र बना दीजिए कि मैं फुल्ली फिट एंड फाइन हूँ, आपको वो बना देंगे, उसको आप जमा कर दीजिएगा। प्राइवेट में बनाइएगा तो वहां 200-300 रुपए खर्च हो जाएंगे, सरकारी में आपको 5-10 रुपए लगेंगे जो टिकट का पैसा लगता है, समझ गए। बाकी आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी, आपको फोटो 5 लगेगा, और आपका फिजिकल डिसेबल अगर है यानी पीएच कैंडिडेट है तो आपका उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जो है किसी तरह के फ्रीडम फाइटर के से बिलोंग करते हैं, फ्रीडम फाइटर के सन और डॉटर है तो उसका भी लगेगा। ये जो है उन बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट है जो बच्चे 12 पर लेंगे एडमिशन, समझ गए। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है मुझे बताइए जी। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो यह जो आपके डॉक्यूमेंट है यह 12 बेसिस पर बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनके लिए लगेगा। अब हम चलते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करके जो है डीएलएड में एडमिशन लेंगे उनके ऊपर बात करेंगे, समझ गए। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आप मान लें कि ग्रेजुएशन में कहीं पढ़ रहे हैं तो आप 12 पढ़ ही ले लीजिए, नहीं तो ग्रेजुएशन में नाम कटा कर लीजिए, बात आपका बराबर होगा तो 12 पढ़ी ना। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, अब बोलेंगे सर मेरा नहीं हुआ है नहीं आया, तो 12 पर चुपचाप एडमिशन लीजिए, बाकी मत सोचिए। चलिए ओके, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे अब ग्रेजुएशन लेवल की, कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और वह जो है डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर बात कर ले। सबसे पहले आपको जो है काउंसलिंग पीडीएफ लगेगा, जो आपने काउंसलिंग पीडीएफ अभी डाला है, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट का पीडीएफ लगेगा कि आपका रिजल्ट में कितना रैंक था कितना नंबर था उसका पीडीएफ लगेगा। उसके बाद आपका जो है मेरिट पीडीएफ लगेगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट मेरिट हो या सेकंड मेरिट हो या आपका थर्ड मेरिट हो, जिस मेरिट में आपका नाम आएगा उसका पीडीएफ आपका लगेगा, आपका ऑनलाइन जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का, देखिएगा यहाँ पर आपका 10th है, यहाँ पर आपका 12th है और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन है, ये तीनों का जो है अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों लगेगा, यानी 10th का मार्कशीट लगेगा और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा और 12th का जो है पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपका ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट लगेंगे और फिर आपका इसका पासिंग सर्टिफिकेट लगेंगे। यानी ग्रेजुएशन पर कराएंगे तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे ओरिजिनल, जरूरत पड़ने पर आप निकलवा सकते हैं कॉलेज से, कोई दिक्कत नहीं है ओके। चलिए सीएलसी आपका लगेगा ग्रेजुएशन का, सीएलसी आपका किसका रहेगा ग्रेजुएशन का रहेगा। उसके बाद आपका जो है जाति, उसके बाद आपका निवास, जाति और निवास ये लगेगा। उसके बाद आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, उसके बाद क्या लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लिखा रहता है, कॉलेज बनाकर देता है, नहीं तो आप सरपंच से या मुखिया से लिखवा सकते हैं, अगर नहीं है ये नहीं भी रहेगा तो कोई आपका एडमिशन में इशू नहीं होगा, क्लियर है। शपथ पत्र के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, आपको कॉलेज एक पीडीएफ देती है, कॉलेज आपको जो है एक आपको जो है फॉर्मेट देगी, इस फॉर्मेट पर आपको जो है शपथ पत्र बनाने होते हैं जो कि आपको इस कॉलेज में जमा करना होता है। इसको बनाने के लिए आपको एक सप्ताह का समय भी मिलता है, एक सप्ताह का समय आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी पूर्वक बन जाते हैं, कोर्ट में 200-300 रुपए लगेंगे वो बना देंगे, वो टाइप करके मोरो लगाकर दे देंगे, क्लियर है। चलिए बाकी मैं शपथ पत्र के ऊपर बात करूंगा कि आखिर शपथ पत्र क्या होता है हम बात करेंगे ओके। चलिए यहाँ पर अगला है चिकित्सा प्रमाण पत्र, आप अपने जो है नजदीकी जो आपका अस्पताल होगा वहां से अपने बॉडी का चेकअप करवा लीजिएगा, बना लीजिएगा कि यस आई एम फुल्ली फिट एंड फाइन ओके, ये बन जाएगा आपका सरकारी अस्पताल में। चलिए 11 नंबर आधार कार्ड लगेगा, फिर आपका जो है फोटो लगेगा, उसके बाद आपका जो है फिजिकल डिसेबल सर्टिफिकेट, जो बच्चे फिजिकल डिसेबल होंगे पीएच कैंडिडेट होंगे उनको लगेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल पर लगने वाले हैं, इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्लियर है। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए था और ये आपका जो है 12 वाले बच्चों के लिए था। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात जो है समझ लिए होंगे, अब आपका कोई भी डाउट जो है डॉक्यूमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, आप सभी लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें पढ़ाई करते रहें ओके, टेक केयर, बाय बाय।